यूट्यूब पे आप 1 सेकंड में लाइव स्ट्रीम हो जाएगी शुरू, 1-2 सेकंड्स के अंदर ठीक हो गया। मैं स्टार्ट कर दूं? मैं स्टार्ट कर दूं अली? जी सर, आप इंटरेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मंसूर फारूकी आपका इंस्ट्रक्टर, और आज हम लोग यूट्यूब लाइव के फिजिक्स क्लास 2 में मौजूद हैं। हम लोगों ने अभी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ी 2 दिन पहले, और उसके अंदर हम लोगों ने कुछ ऐसी चीजें सीखी जो बिलअमूम जब हम लोग FSC की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करते, लेकिन जब हम एंट्री टेस्ट की क्लास में आते हैं तो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं बाद में उन सारी चीजों को देख रहा था, उस वीडियोस के कमेंट्स में आपको की बात पढ़ रहा था, क्योंकि बड़ा जरूरी है मेरे लिए कि मैं ये देखूं कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए और मेरे बच्चे कहाँ पर परेशान होते हैं। तो मैं उसमें ये देखकर हैरान हो रहा था कि बच्चों के लिए वाकई प्रोजेक्टाइल मोशन एक बड़ा टफ टॉपिक है, लेकिन अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। और आप उस वीडियो लेक्चर को ऑलमोस्ट 1 घंटे का है, जब आप उस वीडियो को देखते हैं तो फिर आपको ना सिर्फ उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें नजर आ जाएंगी जो चीजें समझना बहुत आसान है, बल्कि उसके साथ साथ उसको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन होना फिजिक्स में कदम इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको एंटी टेस्ट में फिजिक्स में कितनी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप उसको अप्लाई करने में कामयाब होते हैं या नहीं। जब आप फिजिक्स में उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करने में कामयाब हो जाते हैं, फिर हम ये कहते हैं कि हाँ अब बात बनी और अब जो है काम जो है वो जबरदस्त तरीके से चल रहा है। तो हम लोग ये कहते हैं कि जनाब जब ये सारी सिचुएशन चल रही होती है हमारे पास और जब ये सारी बात हमारे पास आ रही होती है, तो फिर इसके अंदर इस डिस्कशन के अंदर हम ये कहते हैं कि हाँ जनाब अब जो है ना काम ठीक हो रहा शुरू किया। अगर आप फिजिक्स को पढ़ते हुए, अगर आप फिजिक्स में काम करते हुए सिर्फ और सिर्फ जो है चीजों को याद करने के चक्कर में पढ़े हुए, फिर तो गुजारा नहीं होगा। आपको जरूरत है इस बात की, आपको जरूरत है इस चीज की कि आप जो है बड़े जबरदस्त तरीके से चीजों को ना सिर्फ सीखें, समझें और अपने अंदर वो सलाहियत पैदा करें कि आप उन फॉर्मूलों को अप्लाई कर सकते, क्योंकि जब आप उन फॉर्मूलों को अप्लाई करना शुरू करते हैं फिर आपको पता चलता है कि जनाब चीजें किस तरीके से चल रही हैं, चीजें किस तरीके से डेवलप हो रही हैं, फॉर्मूले कैसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आप उन फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई कर रहे हो। हमारे पास मुख्तलिफ तरह की चीजें मौजूद हैं, हमारे पास मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद हैं और हम उन इंफॉर्मेशन की बेस पर आपसे बात करते हैं, करते रहेंगे और यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद उन टॉपिक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड जो डिस्कशंस हैं और कुछ ड्रिल्स हैं, कुछ पेपर्स हैं, कुछ टेस्ट हैं, सिस्टम है पूरा, वो प्रॉपर तरीके से हमारे पोर्टल्स पर अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में नंबर्स गिवन है, आप कॉन्टेक्ट करें और आप पूरे तरीके से मुकम्मल तरीके से जो है आप उसकी तैयारी करें। अच्छा, याद रखिएगा कि एंट्री टेस्ट, याद रखिएगा कि एंट्री टेस्ट में आपका खुद को अच्छे से तैयार करना बहुत जरूरी है। अगर किसी को ये लगता है कि वो सिर्फ सुन रहा है और सुन के गुजारा हो जाएगा तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सिर्फ सुनने से गुजारा नहीं होगा, उसे नोट डाउन करना पड़ेगा, उसे सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना पड़ेगा। जब वो इंफॉर्मेशन को अप्लाई करेगा, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेगा तो उसके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, उसकी मैथमेटिकल स्किल्स भी डेवलप हो जाएगी और जो सिंपल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल एक पीस ऑफ केक रह जाएगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जनाब हम लोग सब जबरदस्त तरीके से खुद को तैयार करें और तैयार करने के बाद खुद को अच्छे से इस काबिल बना लें कि ये जो एंट्री टेस्ट का काम है ये काम हमारे लिए बिल्कुल एक सिंपल सी बात रह जाए। आज जो हमने टॉपिक चूज किया वो टॉपिक था एनर्जी और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। जब हम लोग एनर्जीज की बात करते हैं,
जब भी हम लोग एनर्जीज को डिस्कस कर रहे होते हैं, एनर्जी को डिस्कस करते हुए हमारे पास जो पहली टर्म दिमाग में आती है वो आती है एबिलिटी टू डू वर्क। अब जब हम एनर्जी टू डू वर्क की बात कर रहे होते हैं, जब एनर्जी की बात कर रहे होते हैं, तो फिर अब हम यहां कहते हैं कि एबिलिटी टू डू वर्क है ये दो तरह से हो सकती है, ये ड्यू टू मोशन हो सकती है। जब ये ड्यू टू मोशन होती है तो हम इसको कहते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी है, और जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर। इसका बेसिक एक्सप्रेशन है, हम इस एक्सप्रेशन में थोड़ा सा चेंज करते हैं और हमारे पास नए नए फॉर्मूले आना शुरू हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं ड्यू टू पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन शेप, बेसिकली चेंज शेप, और जब हम सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी की डिस्कशन में हमारे पास एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन मौजूद है। अगर मैं यहां पर आपको एक लम्हे का मौका दूं, और ये मुझे सामने आपके जो कमेंट बॉक्स ओपन है और उसके अंदर आपकी बातें मेरे सामने आ रही हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताएं क्या होगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लोग बगैर सोचे समझे पूछे फौरी तौर पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले लिखना शुरू कर देंगे, और हर कोई कहेगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है जी, एम जी एच। अब आप में से वो सारे लोग जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच लिख रहे हैं वो एक बेसिक मिस्टेक कर रहे हैं। क्यों? वो इसलिए बेसिक मिस्टेक कर रहे हैं क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं, ये सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ये सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। और वही हुआ यहां पे, देखे ना, नायाब ने, मुनीर ने, फरहीम ने, कशफ ने, सब ने एक ही बात लिखी, लेकिन फिर मुनीर ने कहा नो स्पेसिफिक फॉर्मूला। मुनीर तेज है, ठीक है, और मुनीर बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा बड़ा होके इंशाल्लाह। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि ये तो सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और वो फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास क्यू डेल्टा वी। अगर हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो वो फॉर्मूला बन जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग वो जो एनर्जी, आपसे कहते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी होती है ना, तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर्ड एनर्जी की शक्ल में डिस्कस करूं तो मैं कहता हूं कि ये स्टोर्ड एनर्जी जब कैपेसिटर में होती है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम कहते हैं इसका फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। जब मैं कहता हूं कि ये एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर होती है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फिर हम ये कहते हैं कि जनाब तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है और हाफ एल आई स्क्वायर बन जाता है। ये फर्दर हम इसके अंदर मजीद चेंज की बात कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि अगर ये एनर्जी जो है वो डी शेप्ड मटेरियल्स में होती है तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कहते हैं तब इसका फॉर्मूला हाफ एफ डेल्टा एक्स हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि हम ये कहते हैं कि जनाब आपने जो भी एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं
उसके इस्तेमाल से पहले ये कंफर्म कर ले कि एनर्जी कहां पर स्टोर हो रही है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी को हमें कैसे पता चलेगा कि ये पोटेंशियल एनर्जी है? हमें ऐसे पता चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वहां पर अपीयर होती है जहां पर, एक सादा सी बात आपको बताने लगा हूं, जहां पर हम लोग अगेंस्ट दी विश जा रहे होते हैं। आप कहें सर ये क्या बात होगी, अगेंस्ट दी विश जा रहे होते? बिल्कुल, देखो आपके पास ये एक पेन है ना, आप इसको ड्रॉप करोगे पेन नीचे की तरफ आएगा, आप इस पेन को ऊपर की तरफ लेके जाना शुरू, इसकी विश क्या थी, नीचे आना, आप अगेंस्ट दी विश जा रहे हो, ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। आपके पास एक रबर बैंड है ना, वो एक नॉर्मल हालत में पड़ा हुआ है, आप उसको खींचना शुरू, जब वो खींचना शुरू कर दोगे तो अगेंस्ट दी विश हो गया। एक पॉजिटिव चार्ज है ना, वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज से अवे जाना चाहता है, आप उसके टूवर्ड्स लेकर आना शुरू हो, जो उसके अंदर वर्क स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेनेवर वो मूव अ बॉडी अगेंस्ट इट्स विश, जब भी हम किसी चीज को उसकी विश के अगेंस्ट लेकर जाते हैं तो हम उसके अंदर एक काम स्टोर होना शुरू हो जाता है, हमारा काम उसके अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है। वो जो हमारा काम उसके अंदर स्टोर हो रहा होता है ना, वो स्टोर काम जो है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अपीयर हो रहा होता है। तो इस तरह हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो तब अपीयर होती है जब हम किसी बॉडी को अगेंस्ट दी विश लेकर जा रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ फिर आती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में जब हम लोग बात कर रहे होते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो इसका जनरल फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को हम चेंज कर देते हैं और इसको लिख देते हैं पी स्केल ओवर 2m। अब यहां से हमारे पास दो बातें आती हैं, यहां से दो बातें जो आती हैं वो ये आती है कि हम यहां से E को P के साथ भी रिलेट करते हैं। हम ये कहते हैं फॉर ए बॉडी, जब आप ये टर्म इस्तेमाल करते हैं ना फॉर अ बॉडी, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मास कॉन्स्टेंट है भाई, बॉडी का मास तो नहीं ना चेंज होगा। फॉर ए बॉडी तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ E। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, जब भी ये टर्म आइए ना आपके पास ये वाली फॉर ए बॉडी, मैं कहता हूं फॉर ए कार इफ इट्स मोमेंटम इज डबल्ड, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका मास नहीं चेंज हो रहा, उसका मास कॉन्स्टेंट है। जब उसका मास कॉन्स्टेंट है ना, तो फिर हम ये कहते हैं कि जनाब आपने जो प्रॉपरली इस बात को समझ लेना है कि फॉर ए बॉडी के केस में आपके पास मास कॉन्स्टेंट हो गया। अब जितनी भी आप मोमेंटम की के अंदर इंक्रीज लेकर आएंगे उसी हिसाब से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, या अगर आप काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहे होंगे तो मोमेंटम इंक्रीज होगा। यहां पर एक ना बड़ा मशहूर सवाल है, वो सवाल डिस्कस करते हैं, दो बातें, एक तो सवाल डिस्कस करते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, दूसरा मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट क्या, शॉर्टकट फॉर्मूला, ठीक है, टिप दूंगा आपको, एक ऐसी टिप जिसकी मदद से अगर वो सवाल आ गया पेपर में या उस जैसा सवाल आ गया तो आपके लिए उसको सॉल्व करना इंतहाई आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप उसको याद कर सकते हो बड़ी आसानी से, और बड़ी आसानी से याद करने के बाद बगैर सॉल्व किए आंसर निकाल सकते हो। सवाल ये है, हम ये कहते हैं कि इफ मोमेंटम इज इंक्रीज टू 10%, मोमेंटम इंक्रीज हो गया 10%, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब हम ये कहते हैं कि मोमेंटम इंक्रीज हो गया ना, तो नया मोमेंटम कितना हो गया, नया मोमेंटम हो गया P प्लस 10% ऑफ P, यानी मैं इसको लिख सकता हूं P प्लस 0.1P, 10% को मतलब 100 से डिवाइड करके, तो ये बन गया 1.1P। अच्छा, E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P स्क्वायर के ना,
तो आप ये जो न्यू मोमेंटम आया है ना ई के लिए, आप क्या करें, आप पी प्राइम का स्क्वायर ले लें। जब आप पी प्राइम का स्क्वायर लेंगे ना तो 1.1 पी का स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली। अब देखो सवाल आता है कि सर ये 1.1 का स्क्वायर कौन लेगा, हम लेंगे। कैसे, ऐसे कि 1.1 पी होल स्केल जब आप लिख रहे हो तो आप इसको लिख सकते हो 11/10 पी स्क्वायर, लिख सकते हो, पॉइंट रिमूव कर दिया, नीचे 10 लिख दिया आपने। अब जब ऐसा किया आपने, देखो 11 को का स्क्वायर 121 होता है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो ये बन गया 1.21 पी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो न्यू मोमेंटम है वो बेसिकली 1.2, इसका जो स्क्वायर है 1.21 पी स्क्वायर के बराबर। अच्छा अब एनर्जी कैसे कैलकुलेट करूं कि एनर्जी का चेंज कितना है। हम ये कहते हैं कि टू चेंज द एनर्जी, मतलब अब ये अंदाजा लगाने के लिए कि नई एनर्जी कितनी परसेंट इंक्रीज हुई है, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर से ना आप माइनस कर दो वो जो पुराना मोमेंट, आपके पास क्या आ गया 0.21 पी स्क्वायर। ये जो फैक्टर है इसको परसेंटेज में लिख दो तो ये बन गया 21%। ये 21% बेसिकली एनर्जी का चेंज है। सिंपल आपने क्या किया, अब ये सारी कहानी जो मैंने लिखी है, इस सारी कहानी में सिर्फ दो स्टेप है, कौन से, जितना भी इंक्रीज था उसको ऐड कर दो और उसका स्क्वायर ले लो। जब आपने स्क्वायर ले लिया तो उसको जो पहली वैल्यू थी उसमें से माइनस कर दो, तो जो कुछ भी बचा है आपका आप उसकी परसेंटेज ले। अब सवाल ये कि ये तो बड़ा तवील हो गया काम ना, हम कहते नहीं नहीं तवील होगा। याद रखो जब भी मोमेंटम 10% 20% 30% 40% 50% 60% ये इंक्रीज मैं बता रहा हूं आपको, अगर ये इंक्रीज आ रहा है तो जो एनर्जी का इंक्रीज होगा वो कितना होगा, 21% 44% 69% 96% 125% 156% और 189% इंक्रीज आ रहा होगा। अच्छा अब यहां पे एक सवाल है, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं और मैं आपसे ये कहूं कि जनाब ये बताओ कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर मैं ये आपसे बात पूछ रहा हूं कि भाई ये बता दो कि अगर जो है चेंज वो मोमेंटम का चेंज इन सारी वैल्यूज में से नहीं था, बल्कि मैं कह रहा हूं मोमेंटम का चेंज 15% था, बताओ अब एनर्जी कितनी। अब एनर्जी कितनी होगी भाई, अब बताए, हमें कहते हैं परेशानी की बात। क्यों परेशानी की बात नहीं है, इसलिए परेशानी की बात नहीं है क्योंकि 10% पे कितना इंक्रीज आ रहा है, 20% पे कितना इंक्रीज आ रहा है, 44, 15 कहां पे लाए कर रहे हैं इनके दरमियान में, तो इसका चेंज कितना आएगा इसके दरमियान, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कोई 32% के करीब। तो अगर आपको ये टेबल याद हो जाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर जहां पर भी कोई वैल्यू आपके पास आ रही है आप उस वैल्यू को मैनेज कर सकते हैं। जैसे नूर आर्ट गैलरी, ये नाम की, इन्होंने बिल्कुल सही गेस किया जी, 32% के करीब ये पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हमने इन चीजों को याद रखना है, जब ये चीजें हमें याद हो जाती हैं तो हमारा काम जरा थोड़ा सा आसान हो जाता है। अच्छा उसके बाद हम लोग जरा वापस अपने टॉपिक पे आते हैं और हम ये कहते हैं कि जनाब ये जो सारी डिस्कशंस आपके पास चल रही थी, इस सारी डिस्कशन के अंदर हमारे पास एक बात और आती है और वो बात ये आती है कि जनाब अगर हम कोई और फॉर्मूला सोच रहे हूं कि यार कोई और फॉर्मूला है, कोई इस तरह का और कोई फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है कि जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हो,
तो हम कहते हैं बिल्कुल है, हमारे पास ऐसे फॉर्मूले हैं जिन फॉर्मूलों को हम इस्तेमाल करते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला है, बात आती है ना, कौन सा फॉर्मूला है कि क्या मैस का, मोमेंटम का, इसके अलावा भी कोई फॉर्मूला है हमारे पास? हम कहते हैं यस बिल्कुल है। कौन सा फॉर्मूला है जी? हम कहते हैं जी वो जो फॉर्मूला और इसके अलावा हमारे पास आते हैं ना, वो फॉर्मूला आता है मैस वेलोसिटी का यानी स्पीड का, मोमेंटम का, और उसके साथ रिलेट करते हैं हम एनर्जी को। और वो फॉर्मूला हमारे पास ये आता है कि एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ पी वी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ पी वी। हम आगे जाके देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और उन न्यूमेरिकल्स के अंदर हम अपने इन सारी इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। कोई कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 3 kg एंड मोमेंटम 2 newton second इज। अब देखें, शायद ये सवाल अगर हमें मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और मास के रिलेशनशिप के से पहले पता चलता तो हम एक स्टूडेंट कोशिश कर सकता था कि वो कहता कि यार ये मास आ गया, ये मोमेंटम आ गया, यहां से मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, तो वी इज इक्वल टू पी ओवर एम, तो यहां से आप पहले ना कैलकुलेट कर लो 2/3 से स्पीड, फिर कैलकुलेट करेंगे। हम कहते हैं यार ऐसी जरूरत ही नहीं, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी बराबर है पी स्क्वायर ओवर 2m के, पी स्क्वायर है ना, तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, और मास कितना है, ये 3 है, कैंसिलेशंस तो आपके पास 2/3, 2/3 जाउल्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो हम कहते हैं 2/3 जाउल्स ये इसका बेस्ट ऑप्शन थी। अच्छा, उसके बाद हम जरा अगली बात करते हैं। वो कहते हैं अ बॉडी ऑफ 5 newton फॉल्स थ्रू अ 0.25 meter हाइट, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। अब देखें, इस सवाल की बेस पे ना हम एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जब भी बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है, जब भी बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट। अब जब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, आप क्या कहते हो, क्या आप कह सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से कि जनाब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं कह सकते। हम ही कहते हैं कि व्हेन एवर अ बॉडी इज फॉलिंग डाउनवर्ड, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और जब भी बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है तो हम कहते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पे क्या हो रहा है, बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो हम ही कहेंगे कि जनाब जो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो वो गेन कर रही है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है जी, वो है आपके पास एम जी एच, और एम की वैल्यू और जी की वैल्यू ये उसने कंबाइन वैल्यू दे दी हमें। उसने क्या कहा है, 5 newton यानी वेट दे दिया उसने 5, हाइट कितनी बताई 0.25। अच्छा, यहां पर जब भी पॉइंट वाली बात आती है, न्यूमेरिकल क्यों कर रहे हैं सॉल्व, ताकि जो न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको भी देखें। जब भी पॉइंट वाली बात आती है तो सबसे पहले आप उस पॉइंट को रिमूव करें और उसकी जगह लिखें 100, ठीक हो गया। अब इस 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 125 डिवाइडेड बाय 100 और इट बिकम्स 1.25। आप दोबारा इसको ऊपर एडजस्ट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए इज बेस्ट ऑप्शन। तो ये याद रखिएगा। अब ये देखें, यहां पे जो बच्चे बी बी ऑप्शन लिख रहे हैं, जरा केयरफुल रहे, जरा ध्यान से, ठीक है, जरा सी भी जल्दबाजी कि मैं सबसे पहले जरा सॉल्व कर लूं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सही सॉल्व करें, ये बेस्ट बात है, ठीक है। ये इसहाक साहब 12.5 नहीं 1.25, ठीक हो गया, जरा केयरफुल रहना है आपने
इसाक ने पहले सही जवाब दिया, फिर इसाक ने गलत जवाब दिया, ठीक है। अच्छा, अब अब्दुल रहमान पूछ रहे हैं कि व्हाट अबाउट जी, तो हम कह तो रहे हैं कि जनाब उसने न्यूटन कह दिया है ना, तो इसका मतलब ये कि एम जी का पूरा फैक्टर यहां पर आ गया, आपको जी की वैल्यू अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं है, उसने एम जी यानी वेट को इटसेल्फ यहां पे लिख दिया, ठीक है। और जिन जिन लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हुए, कश्यप का 1.25 है, शॉर्ट्स किंग का 1.25 है, यार नाम तो अच्छे अच्छे रखे, कल को आपने डॉक्टर बन जाना कितना बुरा लगेगा, डॉक्टर शॉर्ट्स किंग, ठीक है, तो नाम तो सही रखे अपना। तो प्यारे बच्चों, और बहुत ही प्यारे बच्चों, हमारे पास जो इसका जवाब आया वो आया 1.25। अ बॉल ऑफ मास 8 केजी, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है, ये बहुत जबरदस्त सवाल है। अ बॉल ऑफ मास 8 केजी एंड अनदर बॉल ऑफ मास 10 केजी आर ड्रॉप्ड टुगेदर फ्रॉम अ 90 फीट टॉल बिल्डिंग आफ्टर अ फॉल ऑफ 60 फीट ईच टुवर्ड्स अर्थ, देयर रिस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जीज आर इन रेशियो। जब भी बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वेयर के, और जब ये हाफ एम वी स्क्वेयर के बराबर होती है ना, तो हमें पता करना पड़ता है कि जनाब ये जो आपके पास वी है इसकी वैल्यू क्या है, इस वी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब जब हम वी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं ना, तो जो वी की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं वो हमारे पास आती है 2gx, वी स्क्वायर की वैल्यू आती है बेसिकली ये 2gx। अब ये जो 2gx हमारे पास वैल्यू आती है, जब मैं इस वैल्यू को यहां पे वापस सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट जो है वो आ जाती है बेसिकली एम जी एक्स के, वो 2-2 से कैंसिल हो जाएगा, v की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी सारी। अब यहां पर जो बात वो कह रहा है, वो जो यहां पे बात कह रहा है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ये जो बॉल ऑफ मास 8 केजी है ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या देता हूं मैं, के ई वन, ये किसके बराबर होगी, एम वन जी, दोनों में कॉमन है x, दोनों में कॉमन है क्योंकि दोनों ने एक जितना फासला तय किया, ठीक हो गया। अच्छा, जो काइनेटिक एनर्जी 2 है वो किसके बराबर हो जाएगी, एम टू जी एक्स, आप यहां पे रेशियो ले लो, जी एक्स से कैंसिल, तो बेसिकली रेशियो किसकी रह गई खाली, रेशियो रह गई सिर्फ मैसेस की। अब जब सिर्फ मैसेस की वैल्यूज रह गई यहां पर, तो एक वैल्यू थी 8, एक वैल्यू थी 10, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 4/5, यानी 4:5। अब हम ये कहते हैं कि ऑप्शन बी यहां पर बेस्ट ऑप्शन थी, तो फिर हम ये कहते हैं कि जबरदस्त। अब देखिए ना, अब खुशी हो रही है, तारिक ने भी सही जवाब दिया, रियाज ने भी सही जवाब दिया, अरीबा जुल्फिकार ने भी सही जवाब दिया, अब्दुल रहमान ने भी सही जवाब दिया, और कश्यप, देखिए आपने सॉल्व नहीं किया, कश्यप सॉल्व करें इसको। जब हम रेशो की बात करते हैं तो जैसे मुझे कहते हैं, क्या कहते हैं वो, इंपीरिकल फॉर्मूला कहते हैं ना केमिस्ट्री में, तो वो बिल्कुल सॉल्व करके बिल्कुल फाइनल सिचुएशन बताएं आप, ठीक है। इसे रीराइट करें दोबारा कश्यप, ताकि आपको याद रहे कि सर ने ये बात की थी, मोसे ने, अरीबा ने, फरहीन ने, शब्बीर ने, जबरदस्त, दिल खुश हो। जब इस तरह रिस्पॉन्स आ रहा होता है ना, तो फिर सईद ने भी सही जवाब दिया, तो दिल खुश हो रहा था कि यार मैं जो बच्चों के साथ बात शेयर कर रहा हूँ ना, बेसिकली देखिए ये जो क्लास है ना, इस क्लास का मतलब ये है, जाती तौर पे मेरा पर्सनल कॉन्सेप्ट ये, हम पुरसकून रहे, कोई प्रेशर, ज्यादा प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने आपसे कहा था प्रेशर नहीं लेना, बिल्कुल रिलैक्स होकर काम करना है। शाबाश कश्यप, सिराज, वेरी गुड। तो हमने कहा, मैंने कहा था रिलैक्स रखे, इस क्लास का कोई प्रेशर नहीं, रिलैक्स रखे, बल्कि इस क्लास का नहीं, नियर पियर पे कोई भी क्लास है, कोई प्रेशर, काम करें आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए, अपने घर में बैठ के सुन रहे, अपने बेस्ट एनवायरनमेंट में बैठ के सुन रहे आप, सबसे आराम से, सुकून से, पुरसुकून तरीके से, ठीक है। अब जब आप उसमें सुन रहे हैं तो फिर ध्यान से सुन। एंट्री टेस्ट का पहला असूल फोकस्ड रहना होता है, अगर आप फोकस्ड हैं तो फिर आप बेस्ट तैयारी कर,
अगर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या चल रहा है, इधर देखो उधर देखो, वो एशेज में इंग्लैंड जीत गया कि नहीं जीत गया, वो ARY पे ड्रामा आ रहा था वहां पे क्या हो गया, वो जियो पे देखो खबरों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इन सब कुछ फोकस्ड रहे, पुरसुकून। और जब आप पुरसुकून रहते हैं, जब आप जबरदस्त तरीके से रहते हैं, शानदार तरीके से रहते हैं, तो आप ज्यादा बेहतर सीखते हैं। देखें जो हमें ड्रामों की या मूवीज की पूरे पूरे सीजन की स्टोरीज याद होती है, क्यों याद होती है, क्योंकि हम रिलैक्स होकर देख रहे होते, पुरसुकून, बर्डन नहीं होता, तो बर्डन नहीं लेना, हम तो नहीं दे रहे बर्डन, आप हम ही चाहते हैं कि आप पुरसुकून तरीके से आराम से फोकस्ड रहे, टू द पॉइंट रहे, और आप चीजों को सीखें। और जब आप चीजों को सीखेंगे, जब आप चीजों को कर रहे होंगे, तो फिर आपको नजर आएगा कि हाँ यार ये तो बड़ा अच्छा चल रहा है, ये तो काम बहुत अच्छा चल रहा है, ये तो मुझे आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि बर्डन नहीं। जब बर्डन होता है ना, तो फिर आसान से काम भी मुश्किल होना शुरू होते हैं। अब एक और सवाल करते हैं, ये ना पास पेपर का सवाल है, मुझे बड़ा पसंद है ये सवाल ना, मुझे बड़ा पसंद है। वो कहते हैं अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v हैज मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी न्यूमेरिकली इक्वल, द वैल्यू ऑफ v इज। अब देखिए क्या काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम बराबर एक जैसे होते हैं? नहीं, एक जैसे नहीं होते। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम एक जैसे नहीं होते, लेकिन यहां पे उसने एक टर्म इस्तेमाल की है न्यूमेरिकली इक्वल, यानी दे आर नॉट इक्वल इन द सेंस ऑफ देयर नेचर। बेसिकली वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि वो इक्वल है इन द सेंस ऑफ देयर न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की है वही न्यूमेरिकल वैल्यू मोमेंटम की है। उसने कहा वी की क्या वैल्यू, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का वो फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे ना एक और चीज सीखो, काइनेटिक एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? काइनेटिक एनर्जी के तीन फॉर्मूले ना, हाफ mv स्क्वेयर, हाफ p स्क्वेयर ओवर m, या हाफ pv। हमने कौन सा फॉर्मूला चूज करना होता है? हमने वो फॉर्मूला चूज करना होता है जिस फॉर्मूले में वो जो गिवन वैल्यूज है और जो अननोन वैल्यूज है वो सब मौजूद। अगर आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो तो इसमें मोमेंटम नहीं है क्रॉस, अगर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो तो इसमें स्पीड या वेलोसिटी नहीं है क्रॉस। इस फॉर्मूले को देखो, इसमें मोमेंटम भी है, स्पीड भी है, और काइनेटिक एनर्जी तो है ही है। अब हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ पी वी, क्योंकि न्यूमेरिकली दे वर इक्वल, तो मैं कहता हूं मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी से कैंसिल हो जाएगा, ये टू दूसरे चला जाएगा, तो वी इज इक्वल टू 2 meter per second। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर आपके पास ऑप्शन बी जो थी वो बिल्कुल ठीक थी। अब देखें शाबाश, तारिक ने बिल्कुल सही फॉर्मूला जज किया, मापारा ने सही जवाब दिया हुआ है, अरीबा जुल्फिकार ने, और रमशा ने, और तारिक ने, शब्बीर ने, कश्यप ने, लाइबा ने बिल्कुल सही जवाब दिया, फरहीन ने। तो इसका मतलब ये हो गया कश्यप, अच्छा कश्यप जब एक दफा सही जवाब देते हैं तो फिर गलत नहीं करते, बी कॉन्फिडेंट। मरियम सादिया ने सही जवाब दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम चीजों को सीख रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है? नेक्स्ट स्टेज ये है कि अगर आपको एनर्जी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल्स समझ आ गए और आपको ये समझ आई है कि यार अच्छा ऐसे फॉर्मूला लगता है, वो वेरी गुड, ये चीजें ऐसे हैं, मतलब देखे ना मैंने अभी इस फॉर्मूले में इस सवाल में एक बात कही आपके साथ, और वो बात मैंने ये कही है कि आपने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर, आपने वो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जिस फॉर्मूले के बारे में आपको ये समझ आ रही है कि उसके अंदर सारे गिवन वैल्यूज और अननोन वैल्यूज सारे मौजूद है। जिस फॉर्मूले के अंदर ये सारी वैल्यूज मौजूद होती है वो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम लोग नियर पियर पे काम कर रहे होते हैं, पोर्टल्स पे काम कर रहे होते हैं, अपने रेगुलर सेशन में, जैसे मैंने उसने बताया था हमारा यकीन बैच जो चल रहा है उसके अंदर जब हम काम कर रहे होते हैं, तो हम इस लेक्चर के बाद बच्चों को क्या कहते हैं? हम इस लेक्चर के बाद बच्चों से कहते हैं कि फौरी तौर पर जाके जरा ड्रिल्स ओपन करें, वो जो आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया है वो जो उसके टेस्ट है उसको देखें, जो आपके पास प्रैक्टिस है मटीरियल उसको देखें, तो आप जो है उन चीजों को देखें और आप उन चीजों को पूछें।
यहाँ पे कश्यप का एक कमेंट आया हुआ है कि सर जी आई हैव अ क्वेश्चन, कैन आई आस्क? डेफिनेटली यू कैन आस्क। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप, वो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि फेसबुक मैसेंजर पे या इंस्टाग्राम पे आप मुझे इनबॉक्स कर दें, आप वहां पे सवाल पूछ दें, कोई एक लाइन है, कोई कॉन्सेप्ट है तो आप यहाँ पे कॉमेंट कर दें, तो हम यही भी जवाब दे देते हैं आपको। जो भी चीज होती है, असल बात आपने याद रखनी है। आपने इस चीज पे हम समझते हैं, जो मैंने मतलब 15 साल से एंटी टेस्ट पढ़ाते हुए सीखा कि वो बच्चा कामयाब है जो सवाल पूछते घबराता नहीं है, वो बच्चा कामयाब है जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते डरता नहीं है, वो बच्चा कामयाब है जो लेक्चर ध्यान से सुनता है, उसके बाद टेक्स्ट बुक पढ़ता है, उसके बाद अपने नोट्स लास्ट में डेवलप करता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से सवाल आप करता है। फिर हम ये कहते हैं कि यार जब ये ज्यादा से ज्यादा सवाल वो सॉल्व करता है तो फिर उसके लिए सवाल सॉल्व करना कोई मसला ही नहीं रहता, उसे डर ही नहीं लगता बिल्कुल। पता कैसे, जब आप डॉक्टर बन जाओगे इंशाल्लाह ताला सारे लोग, तो क्या आप पहले दिन ही इतने जबरदस्त सर्जन होगे? नहीं, डर लगेगा ना थोड़ा सा, यार कैसे करें क्या करें, कुछ गलत ना हो जाए वो, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाओगे सीखते जाओगे सीखते जाओगे, और फिर सीखते 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 आप इंशाल्लाह ताला एक मशहूर मारूफ महंगे सर्जन बन जाओगे, लोग लाइन में लगा करेंगे, महीनों महीनों पहले आपके अपॉइंटमेंट्स लिया करेंगे, बिल्कुल इसी तरह। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई। बिल्कुल इसी तरह आप जब यहाँ पर काम कर रहे होगे तो आप देखोगे कि आप सवाल, हम आपको सवाल करवाएंगे, बार बार करवाएंगे, बार बार करवाएंगे, आपके साथ मिलकर सवाल करेंगे, मिलकर सवाल सॉल्व करेंगे, आपको डिस्कशंस में आपके साथ होंगे, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी कि जब एमडी कैट आपके पास आ रहा होगा ना, तो एमडी कैट वाले दिन आपने रात को अच्छी तरीके से चीजों को रिवाइज करके सोना होगा, सुबह उठ के आपने फजर की नमाज पढ़नी होगी, अल्लाह ताला से खैर मांगनी होगी, नाश्ता करके टेस्ट देने जाना होगा, और यकीनन बड़ा जबरदस्त टेस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इन अच्छी नेक ख्वाहिशात और अच्छी बातों के साथ हम आज के सेशन को क्लोज करते हैं। अब अगला सेशन जो है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक बच्चे ने पूछा हुआ था कि सर अपना पूरा स्केड्यूल दे दें, तो स्केड्यूल मौजूद है और वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। मैं अपनी बात आपको बता देता हूँ और वो ये कि अब हम मिलेंगे परसों, मतलब जब हम लोग परसों क्लास में आएंगे जुमेरात को, तो सेम टाइम होगा 8:45 में हम लोग इस क्लास में इकट्ठे होंगे और एक और ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक के अंदर हमारी जो मेजर प्रॉब्लम आ रही होती है उनको देखा जाएगा। तो 8:45 में थर्सडे को मेरे साथ दोबारा मुलाकात होगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।